जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ECHS की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, काफ़ी पोस्ट रखे गए हैं। कितनी पोस्ट हैं, किस स्टेशन के लिए हैं, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली छोटी बड़ी खबर आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। साथियों, तो यहाँ पर अलग अलग जगह की वैकेंसी रखी गई है, जिसमें कि अहमदाबाद की पोस्ट है, उसके अलावा दूसरी चेन्नई के लिए पोस्ट रखे गए हैं, चेन्नई में काफ़ी पोस्ट रखे गए हैं, उसके अलावा जबलपुर में भी पोस्ट रखे गए हैं, पुणे में पोस्ट रखे गए हैं। तो इन जगहों पे जो वैकेंसीज है, किस ट्रेड की है और कितनी है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले जो पोस्ट है चेन्नई की ओर से निकाली गई है, और चेन्नई में अलग अलग जो ECHS पॉलीक्लिनिक है उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर अलग अलग पॉलीक्लिनिक है, चेन्नई है, अबाड़ी, त्रिवेंद्रमलाई है, कांचीपुरम है, बिरलापुरम है, पांडुचेरी है, उसके अलावा कुंडलोरी है, यानी कि 6 पॉलीक्लिनिक इसके अंदर आते हैं, बल्कि 7 पॉलीक्लिनिक आते हैं। तो उनके लिए वैकेंसीज अलग अलग टाइप की रखी गई है। और यहाँ पे ऑफिसर की वैकेंसीज है, ORGCOs में सबसे पहले जो पोस्ट है रेडियोग्राफर की पोस्ट है, 2 जगहों के लिए पेमेंट दी जाएगी 28,100 रुपये। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है 3 जगहों के लिए, उसके अलावा लैब असिस्टेंट की पोस्ट है 2 जगहों के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है 4 जगहों के लिए, फार्मासिस्ट की पोस्ट रखी गई है, उसके अलावा डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है 4 जगहों के लिए, कितुची मेडिकल स्टाफ की, नॉन मेडिकल स्टाफ में काफ़ी पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि ड्राइवर की पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अलग अलग जगहों के लिए है, सफाई वाले की पोस्ट है 6-7 जगहों के लिए, कलर की पोस्ट है 7 जगहों के लिए, और काफ़ी पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट है दोस्तों, उसके अलावा चौकीदार की पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट रखे गए हैं। पेमेंट यहाँ पर 16,800 रुपये या फिर किसी में 19,100 रुपये दिया जाएगा दोस्तों। इनके लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। 25 नवंबर 2022 से पहले आपको अपना एप्लीकेशन भेजना होगा, या आपके नज़दीक है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS पोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई 60009 पर आपको 25 नवंबर से पहले भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर लिखना होगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी नीचे आपको दूंगा मैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो आप उनकी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी, और एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस तरह आपको मिलेगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, और जो आपका स्टेशन पॉलीक्लिनिक है चॉइस कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3 कर सकते हैं, कैंडिडेट का नाम वगैरह डिटेल्स आपको इसको भेजना है, जो कि एड्रेस मैंने बताया था, और यदि आपके नज़दीक है तो आपको बाई हैंड भी। दूसरी जो पोस्ट है अहमदाबाद की ओर से निकाली गई है, भुज कुछ की वैकेंसी है ये, और यहाँ पे जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, और इसके लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल भुज टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, और जो भी अप्लाई करना चाहता है उनका एप्लीकेशन 5 दिसंबर 2022 से पहले स्टेशन हेडक्वार्टर OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल भुज 5 दिसंबर 2022 से पहले उनका पहुँच जाना चाहिए। इंटरव्यू जो होगा इसका 9 दिसंबर 2022 को स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल भुज में होगा। इससे संबंधित जो आपका फॉर्मेट है वो आपको वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा, भेज नहीं आपके नज़दीक है तो आप वैकेंसी सागर की ओर से निकाली गई है, मध्य प्रदेश में लोकेशन है, और 2 टाइप की यहाँ पे वैकेंसी है, डेंटल हाइजीन की, उसके अलावा क्लर्क की पोस्ट है। पेमेंट यहाँ पे आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकते हैं 25 नवंबर 2022 से पहले, और आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं 2 टाइप के, भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अप्लीकेशन भेज सकते हैं OIC ECHS स्टेशन हेडक्वार्टर सागर 25 नवंबर 2022 से पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। इंटरव्यू होगा 9 बजे शुरू होगा 3 दिसंबर 2022 को, तो आपको जो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये थी वैकेंसीज जो कि निकाली गई थी। आज का इतना ही, जय हिंद।